हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। ओपी जिंदल स्कूल से टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की वैकेंसी आई है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट की। और साथ में जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट जिसमें एफआरओ, एचआर एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट, डीटीपी ऑपरेटर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर, इन सभी की जो है यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है। तो जल्दी ही आप लोगों को अप्लाई करना होगा क्योंकि 19 जुलाई को जो है ये एडवर्टीजमेंट आ गई थी और विद इन 7 डेज तक जो है ये एप्लीकेशन चलते हैं। तो अब आप लोगों के पास 2 ही दिन हैं अप्लाई करने के। यदि आप यहाँ इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ओपी जिंदल स्कूल जो है ये यूनिवर्सिटी भी है, स्कूल भी है और साथ में जो है स्टील, पावर, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इनकी काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी है। तो ये काफी बड़ा स्कूल है। यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड है पोस्ट और सब्जेक्ट की पीजीटी 11 12th को पढ़ाने के लिए इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी एंड साइकोलॉजी। तो यदि आपका इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पर बिल्कुल भी मेंशन नहीं की गई है, ना ही कोई एप्लीकेशन फीस है। उसके बाद नेक्स्ट है टीजीटी 6 से 10th तक को पढ़ाने के लिए इंग्लिश, मैथ, साइंस विद पीसीएम, सोशल साइंस विद पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। तो सोशल साइंस एसएसटी के लिए जो है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी होनी चाहिए। संस्कृत, कंप्यूटर साइंस एंड लेटेस्ट टेक्निकल नो हाउ इन वेब डिजाइनिंग एंड रोबोटिक। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में जो है इन्होंने जो लेटेस्ट जो टेक्निकल नॉलेज है वह मांगी है। थर्ड है पीपीआरटी नर्सरी से यूकेजी, मदर टीचर फॉर प्री प्राइमरी और पीआरटी 1 to 5 के लिए टीचर की यहाँ आवश्यकता है। मैथ, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी और उड़िया। उसके बाद नेक्स्ट 1 to 12 तक को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स हैं, जैसे स्पेशल एजुकेटर है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स कोच है जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और साथ में जो है यहाँ पर जो बीपीएड मांगा गया है या एमपीएड अगर आपके पास है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर मैं कहूँ पीजीटी, टीजीटी सभी के लिए कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड मांगा गया है, टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगा गया है और पीआरटी के लिए जो यहाँ पर डिप्लोमा होता है, जैसे एनटीटी है आपका, ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, 12th किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, साथ में आपने एनटीटी किया है या डीईसीई किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। एसेंशियल रिक्वायरमेंट में इन्होंने कहा है कि अगर 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है आपका किसी भी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाने का या कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का, और साथ में अगर आपने सीटेट किया है या कोई भी स्टेट टेट क्वालिफाई किया है तो आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, सीटेट या टेट जो है वो कंपल्सरी नहीं है। इफेक्टिव इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर स्किल, अब इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो यहाँ पर इंग्लिश कम्युनिकेशन तो मांगा ही जाता है। फिफ्थ है यहाँ पर जो स्टाफ की जरूरत है, जैसे रिसेप्शनिस्ट है, पीआरओ है, एचआर एग्जीक्यूटिव है, अकाउंटेंट, डीटीपी ऑपरेटर है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है या फिर मैनेजर है, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट या ग्राफिक डिजाइनर। तो आपको 3 साल का जो है यहाँ पर इसी फील्ड में जो है वो आपने पहले काम किया हो तो जो है आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए जो है केवल पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन चाहिए और विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो है वो अप्लाई कैसे करना है तो ध्यान से आप लोग सुनिए कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट विद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश विद एक्सेप्शनल ट्रैक रिकॉर्ड में अप्लाई या सेंड देयर लेटेस्ट सीवी। तो आपका जो बिल्कुल लेटेस्ट सीवी है इसको और साथ में कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को आप लोगों को इस ईमेल आईडी पर भेजना है। ठीक है, पीडीएफ फाइल में जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे आप लोग स्कैन करके अपने सीवी को, कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को, और इसे ईमेल आईडी पर आप लोगों को सेंड कर देना है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो बिल्कुल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा यदि आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो, इन सभी क्वालिफिकेशन को, रिक्वायरमेंट को आप लोग फुलफिल करते हो। जब आप ये ईमेल करेंगे तो सबसे ऊपर किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, पीजीटी के लिए कर रहे हो, टीजीटी के लिए कर रहे हो, तो ये जरूर लिखना है आप लोगों को, ठीक है, कि अप्लाई फॉर पीजीटी और एड्रेस लिखना है। तो ये जो है इसका एड्रेस लिखा हुआ है बिल्कुल ऊपर ही, ओपी जिंदल स्कूल एंजुल, जिंदल नगर, एंजुल, उड़ीसा, ये पिन कोड है। मेन वेबसाइट जो है इसकी www.opjsangul.com है। यहाँ पर जाकर आप लोग स्कूल के बारे में सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो, कैसा स्कूल है, ठीक है, किस तरीके का जो है वो दिखाई देता है, क्योंकि हम किसी भी स्कूल में जब टीचिंग के लिए हम जा रहे हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर जाकर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।